खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री सीज करने के साथ ही एक आरोपी को दबोचा है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा के मुताबिक अजीम नगर थाना क्षेत्र में दो भाई अपने साथी के साथ मिलकर सिगनखेड़ा के जंगल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फैक्ट्री की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों सगे भाई मौके से फरार हो गए। आरोपी के कब्जे से 22 तमंचे, देसी बंदूक और अवैध हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। चुनाव के मद्देनजर रामपुर पुलिस के द्वारा जो अपराधी हैं या आपराधिक कृत्यों में लिप्त व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है। इसी के तहत सूचना के आधार पर सिगनखेड़ा के जंगल में थाना अजीम नगर में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें लगभग 15 असलेह हैं, एक राइफल है, उनके बनाने के उपकरण हैं, एक देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।